थैंक गॉड। कैसे गिर गए हो? और आप लोग क्या कर रहे थे वहां? डॉक्टर वो ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं है। अगर आप लोग ऐसे बिहेव करेंगे तो कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग पेशेंट को? आज तो हमने इन्हें संभाल लिया, लेकिन याद रखिए दोबारा ऐसी गलती ना हो। ये एक न एक दिन किसी न किसी की जान जरूर लेकर रहेगी। सब इसी की वजह से हुआ है, पता नहीं कब पीछा छूटेगा इससे। मम्मी जी, आप अपना खून क्यों जला रहे हैं? क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? अरे आती नहीं तो तमाशा कौन खड़ा करता? पता नहीं दीदी ने ऐसा क्या कहा कि पापा जी को। हाँ मम्मी, क्या किया दीदी? शायद पापा जी से किले शिकवे कर रही होंगी बेचारी सलोनी दीदी। कावेरी, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या तुम? ऐसे वक्त में भी आग में घी डालने से बाज नहीं होगी। चल यहाँ से। मम्मी जी, देखा आपने किस तरह से ये लोग मुझसे बात करते हैं? घी डालने वाला काम करती हूँ, यही इज्जत है मेरी तुम्हारे इस घर में। लेकिन तुमसे कहने से क्या फायदा, तुम बस दूध पीते बच्चे की तरह सिर झुकाए नीचे खड़े रहे। मैंडी, तुम सब कुछ पर्सनली चेक करना, गेस्ट लिस्ट के हिसाब से सबको इनविटेशन पहुंचे हैं या नहीं। पर इतना तामझाम करना जरूरी है? I mean, is it really need? Of course it is. It is important. Mandy, ये पार्टी बहुत important है। हर न्यूज चैनल को कवर करना चाहिए, हर न्यूज पेपर, हर मैगजीन ट्रेड गाइड में आना चाहिए। नील को इससे पब्लिसिटी मिलेगी। बस और कोई वजह नहीं है? मतलब ये रेवा कि तुम आज भी उदय को भुला नहीं पाई ना, और तुम नील में भी उदय को ही ढूंढने की कोशिश कर रही हो। नील नील है, और तुम देखना मैं नील को उदय से भी ज्यादा बड़ा सिंगर बनाऊंगी। यानी कि तुम उदय के सामने एक और उदय को ही खड़ा करना चाहती हो? क्यों तुम बार बार उस नील नील है, देखना ये भी एक दिन उदय ही बन जाएगा, ये भी एक दिन तुम्हारा इस्तेमाल ही करेगा। नील ऐसा नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। इन मतलबी मर्दों के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, चाहे वो कल का उदय हो या फिर आज का नील। ये लीजिए। और ये क्या है? फूल और प्रसाद मंदिर से आकर लेके आया हूँ। आप और मंदिर? जी हाँ, जाना पड़ा। भगवान के दरबार में आपकी प्रॉक्सीजर लगानी थी, कहीं आपका नियम ना टूट जाए ना, तो सोचा था आपके लिए मैं ही आज मंदिर हो आता हूँ और ये प्रसाद ले आता हूँ, और लगे हाथ आपकी तरफ से प्रार्थना भी कराया। कुछ खास लाए आपके लिए? हाँ, खास ही तो है, भगवान का प्रसाद है जो सबके लिए होता है। तुम भी खाओ। मानना पड़ेगा, कमाल की है आपकी फैमिली। भाई वाह, नौकरों से भी ऐसे हंस हंस के घुल मिल के बातें की जाती है।
चलता हूं। बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? वो पापा की रिपोर्ट्स लेनी है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा एक बात पूछूं बेटा, तू चाहती है ना तेरे पापा जल्दी से अच्छे हो जाएं? सभी यही चाहते हैं मन्नू भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है? पूछने की बात तो नहीं है बेटा, पर समझने की बात है। अगर तू चाहती है कि तेरे पापा जल्दी से अच्छे हो जाए, खुश हो जाए, तो जो फैसला तूने किया है उसे बदल डाल, शादी के लिए हाँ कर दे। लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं बेटा, देख हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनके सामने उनके बच्चों का घर बस जाए। अपने हाथों से अपनी बेटी को डोली में विदा करना बहुत बड़ा पुण्य होता है बेटा, कन्यादान महादान होता है। आज तो हम सब तेरे पास हैं, कल को अकेली पहाड़ सी जिंदगी तो कैसे काटेगी बेटा? यही बात तेरे पापा को सताई जाती है, यही दुख है हमें। जो भी मैंने तुझसे कहा है उसे अच्छी तरह से सोच बेटा, फिर फैसला कर। क्या सुसाइड क्यों किया उन्होंने ऐसा, और कब हुआ ये सब आप जी? कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले? और आप जी, आप मुझे आज बता रहे हो? वो बेटे जी मैं तुम्हें क्या, आप जी सलोनी वहां अकेली है, परेशान है, और मुझे पता तक नहीं। बेटा मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था बस। आप जी आप भी ना, क्या अभी भी वो हॉस्पिटल में है या? हाँ है तो हॉस्पिटल में, लेकिन अब चिंता वाली कोई बात नहीं है बेटा, मैं सलोनी से कोशिश करके तुम्हारी बात करवा दूंगा। अरे फोन पर क्या बात होगी आप जी, कितनी परेशान होगी वो, और वैसे भी अपनी दिल की बात किसी से कह नहीं सकती। मैं वहां आ रहा हूं। नील बेटे पर वर कुछ नहीं आप जी, मैं वहां आ रहा हूं और बस, मुझे इस वक्त सलोनी के पास होना चाहिए। How are you feeling, sir? Good. कुछ ही दिनों में you'll be perfectly all right. So relax. अब कैसा लग रहा है? पापा कुछ कहना है। बोलो बेटा। पापा मेरा शादी ना करने का फैसला आपकी जिंदगी से ज्यादा नहीं है। आप जब कहें, जिससे कहें, मैं शादी कर लूंगी। सुनो बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रही हूँ पापा, मैं जानती हूँ आपके इस हालत के जिम्मेदार मैं हूँ। सबका यही मानना है ना कि मैं शादी कर लूंगी तो आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। तो पापा मैं तैयार हूं शादी के लिए, आपकी इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है। सर ने बेटा, मेरा सबको अंदर भेजो, जाओ बेटा। सच्चाई बताना चाहता था आप सबको, इसीलिए बुलाया है। आप लोग यही मानते आए हैं ना कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार सलोनी है, लेकिन मेरी इस हालत की जिम्मेदार सलोनी नहीं,
आप सब। आप लोग सलोनी को वो करने के लिए जोर डाल रहे हैं जो वो करना ही नहीं चाहती। आखिरी बार कह रहा हूं मैं कि सलोनी की शादी तभी होगी जब वो खुद करना चाहेगी। आखिरी बार कह रहा हूं मैं सबसे कि सलोनी की शादी तभी होगी जब वो खुद करना चाहेगी। अरे तो तुम्हें क्या लगता है कि हम इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? जबरदस्ती ही तो कर रहे हैं आप सब उसके साथ, लेकिन आगे से किसी ने भी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो इस बार तो मैं बच गया हूं, लेकिन अगली बार कोई मुझे बचा भी नहीं पाएगा। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अपनी बच्ची पर जबरदस्ती नहीं होने दूंगा। किस जबरदस्ती की बात कर रहे हो तुम? ये और जबरदस्ती करने दे? अगर इसने ऐसा कहा है ना तो बिल्कुल झूठ कहा है। ये कौन सा नाटक खेल रही है तू? अब झूठ बोलकर हम लोगों के बीच में कलेश पैदा करने की कोशिश कर रही है। यही रह गया है बस। एक मिनट अंबिका, उस पे मत चिल्लाओ। उसने जो भी कहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसे कहा था ये सब कहने के लिए। देवर जी ठीक ही कह रहे हैं, अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो हमें उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। आज के बाद से कोई भी शादी के लिए सलोनी से बात नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पर आप एक बार खुद देख लीजिएगा। राइट, या थैंक यू सो मच। या बाय बाय। लीजिए मैडम, हो गया आपका सारा इंतजाम आपके ग्रेट सिंगर नील कुमार की लॉन्च का। सॉरी कुमार अच्छा नहीं लगता ना नील के साथ, क्योंकि कुमार तो तुम्हें किसी और की याद दिलाता है। मैंडी सॉरी मैं चुप रहूंगी। दैट्स इवन बेटर। रेवा जी हाँ आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। कहाँ नील? मुझे घर जाना होगा रेवा जी, आज ही। आज ही? नील इज एवरीथिंग ओके? रेवा जी वहाँ इस वक्त किसी को मेरी जरूरत है। और यहाँ? यहाँ किसी को जरूरत नहीं है तुम्हारी। तुम्हें पता ना कल कितनी बड़ी प्रेस मीट है, तुम्हारी ही लॉन्च होगी और तुम हो कि तुम्हें जाना। एक मिनट मैंडी। नील आर यू श्योर कि तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है? रेवा जी मेरा जाना बहुत जरूरी है वरना। ओके मैंडी, नील के जाने की तैयारियां करो प्लीज। पर वो प्रेस मीट बाद में हो जाएगी। कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे? एग्जैक्टली, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। नील को जाना है तो जाना है। अब मेरा काम कर दोगी प्लीज? एक्सक्यूज मी। ओके बॉस। तुम ना वैसे छोटे शहर के लोग बड़े अजीब होते हो, छोटी छोटी बात पे तुम लोगों को घर भागना होता है। वैसे अगर तुम्हें घर से चिपके रहने का इतना शौक है तो फिर इंडस्ट्री में पांव ही क्यों रखते हो? जानते हो कल की मीट के लिए कितना पैसा खर्च किया मैडम ने? वैसे पेड़ पे नहीं उगते। और प्रेस वाले उनसे क्या कहेंगे, क्यों कैंसिल हो गई ग्रेट सिंगर नील कुमार की लॉन्चिंग? हाँ करूं मैं? रेवा जी मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, उनका इतना नुकसान, पर सलोनी को इस वक्त मेरी जरूरत है।
हेलो सलोनी, कैसी हो? ओ नील, मैं ठीक हूँ। सलोनी, मुझे आज ही आप जी ने आप पापा के बारे में बताया। सलोनी, हेलो। हाँ, ऐसी क्या बात हो गई सलोनी? अच्छा सुनो, मैं आज ही यहाँ से निकल रहा हूँ, ओके? यू डोंट वरी। निकल रहा हूँ? मतलब? मतलब कि मैं वहाँ आ रहा हूँ तुम्हारे पास। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। पापा आप बिल्कुल ठीक हैं। इनफैक्ट मैं अब उन्हें हॉस्पिटल से लेने ही जा रही हूँ। और तुम? मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ कितनी अकेली हो सलोनी। नहीं नील, ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ सलोनी, एंड दैट इज व्हाई मुझे तो पता आज ही चला, वरना। देखो नील, तुम वहां से नहीं आओगे, बस अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ की चिंता छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ दूं वहां की चिंता सलोनी, मेरा मन कह रहा है कि मुझे वहां होना चाहिए। देखो नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने यहाँ आने के बारे में सोचा भी, नील अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करो। तुम जानते हो ना तुम्हारे साथ कितने लोगों के ख्वाब जुड़े हुए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं फोन रखती हूँ, बाय। देखो अब घर जाकर सिर्फ आराम करना, ये नहीं कि हॉस्पिटल से छुट्टी मिली नहीं कि कल से काम शुरू, और डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी आराम करने की। नो टेंशन, समझे कि नहीं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नमस्कार। नमस्कार। तुम यहाँ किस लिए? ऐसी भी क्या बात है, थोड़ी बहुत इंसानियत तो हम में भी है। चलिए रिश्ता ना रहा, जान पहचान तो है ही। पापा जी की तबीयत के बारे में पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया। पापा जी कैसी तबीयत है आपकी? तुम्हें कैसे पता कि इनकी तबीयत खराब है? वो मम्मी को कावेरी भाभी मिली थी सराफा बाजार में, ओ कुछ गहने वगैरह खरीद रही थी, तो वो बता रही थी कि पापा जी ने कुछ जहर वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है, अरे इनका बीपी हाई हो गया था, चेकअप के लिए आए थे हम यहाँ। अच्छा, लेकिन कावेरी भाभी तो कुछ और ही बता रही। सब बकवास है। और सुनो, हमें तुम्हारी हमदर्दी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना हम तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहते और ना ही कोई पहचान रखना चाहते हैं। बेहतर यही होगा कि आप यहां से पधारो। अरे अरे, गुस्सा क्यों होती हैं आप इतना? अगर आपको मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगा तो हम चले जाते हैं। गेट वेल सून पापा जी। नमस्कार। नमस्कार। देखिए उस भेड़िया के करतूत, इधर ससुर हॉस्पिटल में पड़ा है, उधर वो महारानी बाजार में जेवर की खरीदारी करती फिर रही है। कैसी हो मेरे सपनों की राजकुमारी? तुम यहां? हाँ मैं यहाँ। वैसे बहाना तो तुम्हारे बाप की तबीयत पूछने का था, लेकिन हसरत तुमसे मिलने की थी, पूरी हो गई। उस दिन का थप्पड़ भूल गए? ना ना ना, वो कैसे भूल सकता हूँ मैं? उस थप्पड़ को तो मैंने तुम्हारी प्यारी प्यारी याद की तरह अपने दिल के अंदर बसा के रखा हुआ है। बकवास बंद करो। पक नहीं रहा मैं, तुम्हारी ये प्यारी प्यारी सूरत जो है ना, तो मेरे दिल के अंदर बस गई। और फिर जिसे चाहते हैं वो कुछ भी करे, उसके तो सारे सितम बर्दाश्त हैं।
सीधी तरह से रास्ता छोड़ते हो या शोर मचाकर लोगों को बुलाओ। अगर इज्जत प्यारी है तो हट जाओ रास्ते से, समझे? नाराज क्यों होती हो? जाना जाओ। सलोनी, मैं अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं भूलता।